हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्त, आज मेरे चिक्स का छठवां डेज है। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ आज हमने फॉर्म पे बदलाव किया है स्पेस मैनेजमेंट में। ये इससे पहले आपने देखा होगा वीडियो में, ये करीब 11x13 के राउंड गोले में ये लोग थे, तो डेंसिटी काफ़ी हो गई थी और लीटर थोड़ा सा गीला होने का कंडीशन बन रहा था, क्योंकि जब बर्ड बड़े हो जाते हैं तो 11x13 के राउंड गोले में वो स्पेस नहीं मिल पाती उनको, और बीट वगैरह करने से थोड़ा सा लीटर गीला होने का खतरा बना रहता है। तो टाइम से पहले अगर आप स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो अगर कहीं गीला हो गया लीटर उस कंडीशन में, तो बीट आपका ख़राब हो जाएगा, और स्टार्टिंग बीट अगर ख़राब हुआ तो काफ़ी दिक्कत आएगी सामने। तो उसी को आज स्पेस बढ़ाया गया है, करीब 52 फीट में है ये पूरे शेड में, 52 फीट लंबाई में और 22 फीट तो फार्म की चौड़ाई है मेरे, तो करीब देखिए। और जो ड्रिंकर और फीडर लाइन है वो टोटल 6 लाइन एक गोले में रखा गया है, जैसा कि 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6, टोटल 6 लाइन और एक फीडर, इसके बाद एक ड्रिंकर, एक फीडर एक ड्रिंकर, ऐसा करके रखने से उनको चारों तरफ फीड और वाटर का आसानी से मिल जाता है, फीड और वाटर इंटेक करने के लिए। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक लाइन लगा दिए केवल पानी का और दूसरा टोटल फीडर का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में अगर इनको प्रॉब्लम आएगी फीड और पानी इंटेक करने में, नहीं आसानी से मिला, तो छोटा बड़ा का दिक्कत आएगी। इस कंडीशन में ये बर्ड सभी अच्छे कंडीशन में हैं और कोई दिक्कत है नहीं। इस जगह पे आपको बर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से दवा देनी चाहिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप मल्टीविटामिन या फिर कैल्शियम की डोज इनको दे सकते हैं, 1-2 डोज, ताकि आगे चल के किसी लंगड़ापन और लंगड़ापन की केस एकदम ज़ीरो रहे। तो यही था आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।